गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अरुणा पड़दूतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों का ऑलमोस्ट सेकेंड चैप्टर डन हो गया है। लास्ट टॉपिक इसका बचा है, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थ्री डोमेन ऑफ लाइफ। अब थ्री डोमेन ऑफ लाइफ क्या होते हैं, हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं हमारी प्रकृति में या हमारे नेचर में, उसको हमने फाइव किंगडम में डिवाइड किया है। व्हिटेकर ने उसको फाइव किंगडम में डिवाइड किया है। और वो फाइव किंगडम कौन कौन से हैं, वो फाइव किंगडम होते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, है ना, प्लांटी एंड एनिमेलिया। बट हम जनरली अगर उनको देखें तो हमने उनको टू पार्ट्स में ही देखा है, जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट, है ना, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में आते हैं सारे मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया आते हैं। बट आज के समय में अगर हम देखें तो जो जो साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने क्या करा, और डिवीज़न उसका करा। तो इसमें से ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल हूज। कार्ल हूज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, मोनेरा में जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में आए थे, वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते हैं बैक्टीरिया के, जिनको उन्होंने एक अलग ब्रांच में रखा। उन्होंने एक ट्री फॉर्म करा, इस ट्री को ही उन्होंने नाम दिया थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, है ना। उनका ऐसा कहना था, ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 99 में प्रोपाउंडेड अ थ्री डोमेन सिस्टम टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। उन्होंने इसको क्या करा, अलग अलग पार्ट्स में बांटा, उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसको उन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम बोला, है ना। उनका ऐसा कहना था कि जो सेल्युलर लाइफ है, सेल्युलर लाइफ का मतलब ये कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जनरली थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं या थ्री डोमेन्स में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, मैं इसको और बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और ईच डोमेन्स में अगेन भी क्लासीफाइड इंटू किंगडम, और फिर ये जो डोमेन्स होते हैं आगे जाके किंगडम में क्लासीफाई होते हैं, है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा इसको, उनका ऐसा कहना था कि जो किंगडम हम पढ़ते हैं उस किंगडम से ऊपर भी उनका एक क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। तो कार्ल हूज जो थे, उनका ऐसा कहना था कि जो प्रोकैरियोट्स थे, जो सबसे प्राइमरी स्टेज पर अर्थ पर डेवलप हुए थे, वो बैक्टीरिया से थोड़े अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, एक तो उनका जो आरएनए कंटेंट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली उनमें अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट होते हैं, आर्किया एंड द बैक्टीरिया एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज एदर इज फॉर्म द यूकैरियोटा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आर्किया और बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वैसे ही यूकैरियोटा भी अलग है। और यूकैरियोट्स नो वन द दिस ग्रुप टू द अदर्स एंड ईच शेयर्स सर्टेन प्रॉपर्टी विद द अदर एज वेल एज हैविंग यूनिक फीचर ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये बिल्कुल भी एक जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी हो सकती है, पर कुछ जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो इनमें डिफरेंट होती। फॉर एग्जांपल जैसे आरआरएनए। अब आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए जो होता है वो बेसिक प्रोडक्ट होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है एवरी ऑर्गेनिजम्स में, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होती है। अगर उनमें सेल होगी तो उनमें आरएनए भी होगा, क्योंकि आरएनए जो होता है जनरली थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो होता है, एक्चुअली आरएनए क्या है, एक टैप रिकॉर्डर होती है हमारे फ्यूचर की, है ना, जिसमें हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, वो सब इसमें इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम देखें कि जो आर्किया थी, मतलब कि जो साइंटिस्ट थे कार्ल हूज, उनका ऐसा कहना था कि अगर इनमें राइबोसोमल आरएनए को देखें तो आर्किया, यूकैरियोटा और बैक्टीरिया, इन तीनों में ये अलग अलग होता है, है ना, इनका सिस्टम अलग अलग होता है। अगर हम देखें आर्किया जो होते हैं, आर्किया में क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, वो थोड़ा और डेवलप होके बैक्टीरिया में होता है, और सबसे ज़्यादा डेवलप होता है यूकैरियोटा में। तो
जनरली अगर हम देखें तो वाइल द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट द यूकैरियोटा डोमेन्स फ्रॉम आर्किया डोमेन्स एंड बैक्टीरिया डोमेन्स बोथ ऑफ विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मीनिंग ये है कि जो आर्किया थे, आर्किया में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बट आर्किया एंड बैक्टीरिया दोनों में ही एक तरह से देखा जाए तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती, बट यूकैरियोटा में ये प्रेजेंट होती है, तो जो इसको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। द डिस्टिंक्ट बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए डिफरेंशिएट आर्किया एंड बैक्टीरिया डोमेन्स फ्रॉम ईच अदर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज यही एक डिफरेंशिएशन का एक तरह से देखा जाए तो पॉइंट है ना, कि जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए में क्या होते हैं, चूँकि जितने भी आरआरएनए होते हैं उसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। या आप आगे पढ़ोगे 12th में कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइट्स क्या होते हैं, तो इनका एक अरेंजमेंट होता है ना, एक के बाद एक ये अरेंज होते हैं। तो अगर आर्किया एंड बैक्टीरिया में अगर इनको देखें आरआरएनए के न्यूक्लियोटाइड को, तो ये डिफरेंट होते हैं। सेम एज अगर ये डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियसली इनके कैरेक्टर भी डिफरेंट होंगे। अगर इनके जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली इनके कैरेक्टर डिफरेंट ही होंगे। तो द फर्स्ट आर्किया एंड बैक्टीरिया टू आर ऑल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स हुज सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। इसका मीनिंग ये है कि जितने भी आर्किया एंड बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। और कैसे हैं, सिंगल सेल्ड है, इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी है और उनके अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट है। ऑल लाइफ दैट हैज़ अ न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म्स, बट इनके जो आगे के ऑर्गेनिज्म्स आते हैं उन सब में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, है ना। तो एंड मोस्ट मल्टी सेलुलर लाइफ इज इंक्लूडेड इन द यूकैरियोटा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को किस में रखते हैं, यूकैरियोटा में रखते हैं। तो कार्लो उसने कुछ चीज़ें बताई है जैसे कि हम किस बेस पर उनको डिफरेंशिएट करते, तो उन्होंने उनको डिफरेंशिएट करने के कुछ पॉइंट्स बताए। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म्स हैव राइबोसोमल आरएनए, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब क्या रखते हैं, उनके अंदर आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए जो होता है कैन बी अलाइंड और मेज्ड अप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। अगर दो ऑर्गेनिज्म्स एक ही स्पीशीज के हैं तो क्या होगा, उनके आरएनए मैच हो जाएंगे, उनके आरएनए के सीक्वेंसेस मैच हो जाएंगे, पर वो अगर अलग अलग उनका डेवलपमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं होंगे। इट्स अ सीक्वेंस चेंजेस वेरी स्लोली, गुड फॉर लुकिंग अक्रॉस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पर ये जो चेंजेस होते हैं, जैसे आरएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो सकते हैं, पर वो जो चेंजेस होते हैं, जेनेटिकली जो चेंजेस होते हैं, उनको चेंज होने में काफ़ी समय लगता है, ये काफ़ी स्लो होने वाला चेंज है। इट्स सीक्वेंस चेंजेस वेरी स्लोली, है ना। इट्स फंक्शनली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, राइबोसोमल आरएनए ऑल पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं आपको बता देती हूँ आरएनए का क्या वर्क होता है हमारी बॉडी में। हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें पर्टिकुलर आरएनए होता है, और वो आरएनए करता है डीएनए का फॉर्मेशन। उसका काम होता है डीएनए फॉर्म करना, और डीएनए फिर क्या करता है, डीएनए का काम होता है हमारे अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जितना भी आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में मेन पार्ट या मेन रोल प्ले करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो कार्ल हूस थे, कार्ल हूस का ऐसा कहना था कि जो आर्किया और बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से पहले आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे हम फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, है ना। बट अगर यहाँ पर कार्ल हूस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो ये कहता है कि बैक्टीरिया के पहले भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आर्किया कहते हैं, जिसको कि उन्होंने अलग डोमेन में रखा। तो उन्होंने थ्री डोमेन जो सिस्टम दिए थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, उसके कुछ कैरेक्टर बताए। जैसे कि आर्किया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ आरएनए मार्कर
आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब कि इनमें क्या होता है डिस्टिंक्ट फॉर्म में, मतलब फैला हुआ आरएनए होता है, एक तरह से कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होता है. और दे पजेस यूनिक एंशियंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर विच दे आर कंसिडर्ड सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्पीशीज ऑफ अर्थ. इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ पर देखें तो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं ये, है ना. इसकी भी कुछ क्लासिफिकेशन है, इसमें ये भी अलग अलग होते हैं, जैसे मेथेनोजन है ना, थर्मो एसिडोफिल्स हैं, हेलोफिल्स हैं, ये इसमें दे रखा है. तो हेलोफिल्स कौन होते हैं, जो सॉल्टी वाटर में, आपने देखा होगा जहाँ पर सॉल्टी वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं. मेथेनोजन बैक्टीरियाज कौन, मेथेनोजन आर्किया कौन होते हैं, ऐसे आर्कियाज होते हैं जो कि गैस मतलब मीथेन वाले एरिया में या मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं. और थर्मो एसिडोफिल कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर अदर ऑर्गेनिजम्स रह नहीं सकते, ऐसी जगह रहते. तो उन्होंने इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया. वैसे ही बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मोनेरा में हम रखते हैं, तो आर्किया के बाद जो आते हैं उनमें आर्किया से बचे हुए जो जितने भी हैं सब उनको बैक्टीरिया में रख दिया. बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें एक तरह से देखा जाए तो इसमें अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होती है ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल की, है ना. और ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं, और ये बहुत सारे डिसीज़ को फैलाते हैं. उनका जो क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट था वो यही था कि ये बहुत सारे डिसीजेज भी फैलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड स्पायरोकिट्स. थर्ड जो आता है यूकैरियोट. अब इनसे जो बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने फिर कहाँ रखा, यूकैरियोटा में. और यूकैरियोटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि मल्टीसेल्युलर होते हैं, है ना, और उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियस जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है. जैसे इसके बाद अब बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, बैक्टीरिया को उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड किया, आर्किया एंड बैक्टीरिया. अब उसके बाद कौन कौन आते हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सभी जो हैं यूकैरियोटा में उन्होंने डाल दिए. तो ये इसका एक ट्री बना हुआ है एक तरह से देखा जाए तो. ये आपको दिख रहा होगा ये आर्किया है जिसमें हेलोफिल्स आते हैं, थर्मोफिल्स. हेलोफिल्स मतलब जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं, थर्मोफिल्स जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, नॉर्मल पर्सन वहाँ पर रह नहीं सकता. फिर उन्होंने बैक्टीरिया को अलग करा जिसमें साइनोबैक्टीरिया को रखा, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को रखा जो अपना फूड दूसरों से, इसमें ऑटोट्रॉफिक भी आते हैं. फिर आते हैं यूकैरियोटा. यूकैरियोटा में उन्होंने प्रोटिस्ट को रखा, जो फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट होते थे, एक ट्री फॉर्म करा है. इसके भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इन तीनों के अलग अलग ब्रांचेज भी हैं, है ना. रोडोफाइटा है, एल्वियोलेट्स हैं, क्रोमिस्ट हैं, प्लांट है, और एनिमेलिया एंड फंगाई. तो ये सबको उन्होंने यूकैरियोटा में रखा है. इस तरह से उन्होंने एक ट्री फॉर्म किया है. पर जनरली अगर हम जब हम इसका डिवीज़न पढ़ेंगे, जब हम मोनेरा पढ़ेंगे तो मोनेरा को हम टू पार्ट में पढ़ेंगे, उसका आर्किया अलग पढ़ेंगे और बैक्टीरिया अलग पढ़ेंगे. तो ये सब जो एक्चुअली जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को अगर हमको स्टडी करना है, उनके बारे में अगर हमको जानकारी लेना है, तो हमको उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम उनको क्लासिफाई नहीं करेंगे तो फिर हम उनको कभी जान नहीं सकते कि हमारे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ जिससे कि हम बने. तो हमारे डेवलपमेंट को अगर हमको जानना है तो इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट होती. तो ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पर एंड हो गया है. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके स्मॉल जो क्वेश्चन आंसर है वो सब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँगी. थैंक यू.